गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ प्रिंसी को लेकर डॉक्टर के पास, तो मिलती हूँ रास्ते में। प्रिंसी ने देखिए जिस तरीके के कपड़े पहने हैं। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। अभी घर से बाहर निकले थे तो हमने वीडियो बनाना चालू किया और प्रिंसी खेल रही थी फ़ोन पे गेम। काफ़ी गर्मी हो रही थी, हम लोग 1:30 बजे घर से बाहर निकले थे। इतना धूप हो रहा था कि मैं क्या बोलूं, और एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। तो हमने एसी के लिए बोला तो बोलता है फुल पे है एसी, पर काम नहीं कर रहा है, उतना कूलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्म भी बहुत हो रहा था बाहर। और बस जा रहे थे हम लोग रास्ते में, तो मैंने कहा चलो आपको कुछ रास्ते का भी व्यू दिखा देती हूँ। तो गर्म कितना ज़्यादा हो रहा है, और प्रिंसी मेरे को परेशान कर रही थी, तो मेरा कैमरा थोड़ा देर के लिए ऊपर चला गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं। प्रिंसी सो गई थी तो मैं दिखा रही थी, इतना रास्ते में ट्रैफिक था तो वो थक गई थी बैठे बैठे, और फिर वो सो गई। फिर मैं भी आराम से अपना बैठ गई और फ़ोन देखने लगी। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, फिर भी अभी जैसे भी चाहा पहुंच गए जैसे तैसे करके। तो ये है हमारे जाने का रास्ता, ये टनल से होकर जाता है। तो ये टनल है काफ़ी बड़ा, तो मैंने यहाँ का भी वीडियो बनाया। पहले बहुत लंबा रूट पड़ता था, जब से ये टनल बन गया है तो अभी हम लोग को जाने के लिए ना बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो ये पहाड़ काटकर बनाया है टनल, बहुत खूबसूरत बनाया है अंदर से। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो आपको दिखा रही हूँ मैं। अभी ये बाहर आ गए हम लोग टनल के, तो अभी ये बाकी का रास्ता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको बनाने में कम 5 साल गया है। पहले हम लोग बहुत लंबे रास्ते से जाते थे बॉम्बे, तो ये जो बाजू में बिल्डिंग है यहाँ पहले झोपड़पट्टी हुआ करती थी, तो ये अभी झोपड़पट्टी तोड़कर यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। तो जो झोपड़पट्टी के लोग थे वो अभी इसमें रहने लगे हैं। और ये पहाड़ी इलाका है पूरा, ये पहाड़ काट के बनाया है, इस साइड से जो भी है ना ये सब पहाड़ है। तो वही आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ये कितना खूबसूरत लगने लगा है। पहले यहाँ पे पूरी झोपड़पट्टी हुआ करती थी पहाड़ के ऊपर। और ये दरगाह है, मस्जिद भी है, और ये उसके आसपास में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं।
तो एंजॉय करिए आप लोग। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं घर के लिए, और अभी बज रहा है कितना, कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, और अभी हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल से। गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। 6 बजेगा, 5:30 या 6 का टाइम हो जाएगा। पहुँचते पहुँचते है ना पिंसू, पिंसू हो गई है एकदम थक के बोर। मिलते हैं घर पे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसी ऐसी कर रहे हो, मस्ती मस्ती। बस अभी हम लोग 10 मिनट में घर पहुंचेंगे। गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पर और प्रिंसी को लगी है भूख, तो मैं प्रिंसी को देती हूँ खाना, फिर उसके बाद में शायद हम मार्केट जाएंगे। मार्केट जाएंगे तो मिलते हैं आपसे, सब्जी वगैरह लेनी है, सब्जी नहीं है। तो मैं रोटी गरम कर देती हूँ प्रिंसी के लिए। इतना लंबा सफ़र रहता है ना, आने जाने में ही बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, बहुत लंबा सफ़र रहता है, थक जाते हैं। हाँ, ठीक है, प्रिंसी को खाना दे देती हूँ फिर मिलती हूँ उसके बाद आपको। प्रिंसी अपनी ट्यूशन क्लास आई है, वो देखो सही है उसकी फ्रेंड, और ये है प्रिंसी की टीचर, मिलने आई है अपने स्टूडेंट लोग से। ये देखो मस्ती चालू है उनको, अभी भाजी लेने भी जाना है। तुम सामने आओगी तो देखोगी, पीछे से नहीं देखोगी। गाइस, तो हम लोग आ गए हैं भाजी लेकर, और अभी प्रिंसी जाएगी नहाने, क्योंकि दिन भर के हम लोग पसीने में भीगे हुए हैं। तो ये हम लाए हैं भाजी, इसमें रखी है, और कुछ इसमें सामान रखा है नाश्ते का पैकेट में, और अभी मैं इनको सबको सेट करूंगी और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय।